हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे एक आपको थंबनेल दिख रहा होगा जिसमें मेंशन किया गया शिक्षा मितान भर्ती 2022। कौन कर सकता है अप्लाई, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट वाले हैं एलिजिबल, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं हम कि कौन सा रिक्रूटमेंट में क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये है आपका कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के लिए। तो क्लियर रहेंगे आप, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए नोटिफिकेशन आया है शिक्षा मितान व्यवस्था हेतु विज्ञापन। तो ध्यान रखेंगे, जिले के अंतर्गत संचालित शासकीय स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय में शिक्षा स्तर को सुधार करने हेतु जिला के विद्यालयों में विषयवार रिक्त एवं आवश्यक पदों के विरुद्ध निम्नानुसार शिक्षा मितान की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है, अतः निम्न शर्तों के अनुसार रिक्त पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी संपूर्ण बायोडाटा के साथ आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर में दिनांक 10 सितंबर 2022 सायं 5 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर एवं स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्लियर है, लास्ट डेट क्या मेंशन किया गया है, 10th of September। फॉर्म भरने के बाद, सभी बायोडाटा को लगाने के बाद, अटैच करने के बाद, सभी मार्कशीट को, डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको सील्ड लिफाफे में, इनवेलप में आपको 10 तारीख से पहले आपको भेजना है। कहां पे, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जिला शिक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें ऑफिस तक। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो गाइस अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो मेंशन किया गया है अंग्रेजी के लिए 5, गणित के लिए 31, भौतिकी के लिए यानी फिजिक्स के लिए 17, केमिस्ट्री के लिए, रसायन के लिए 2, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के लिए 5, वाणिज्य के लिए 3। टोटल 63 पोस्ट, ध्यान रखिएगा, टोटल 63 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है। क्लियर है, टोटल 63 पोस्ट के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 63 क्लियर रहेगा, 63 पोस्ट के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्लियर, अब बात आती है शैक्षणिक अर्हता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो ध्यान देंगे, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं संस्थान से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं संस्थान से संबंधित विषय में, अगर गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गणित में पीजी, इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश पीजी, फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स, बायो के लिए एमएससी बायो, एमएससी केमिस्ट्री, इसके बाद एमकॉम, ध्यान रखिएगा मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% के साथ आप उत्तीर्ण हो। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, बीएड यानी कि मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री या आप कहें पीजी प्लस बीएड यहां पर आपका रिक्वायर्ड है, पीजी प्लस बीएड। ये बात हो गई हमारे पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है, ध्यान रखिएगा, स्नातकोत्तर में अगर समान अंक है, पीजी में अगर सेम अंक है तो वहां पे अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैलरी, तो ध्यान रखिएगा डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट, डीएमएफ की अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फंड से भुगतान उपस्थिति के आधार पर मंथ 18,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा 18,000 की इनिशियल सैलरी आपको यहां पर दी जाएगी। क्लियर रहेगा। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ हमारा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बारे में कि क्या कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, तो ध्यान रखेंगे यहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहां पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ यहां पर आपका 18,000 रुपए सैलरी भी मेंशन की गई है। अन्य शर्तों के बारे में यहां पर मेंशन किया गया है कि शिक्षा मितान मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है, अतः किसी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति या पदस्थापना आदेश जारी नहीं किया जाएगा। क्लियर रहेगा। यहां पर आपको बोला गया है उक्त पद पूर्णतः अस्थाई अस्थाई है, यानी परमानेंट जॉब नहीं है। ध्यान रखिएगा, परमानेंट जॉब नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, आवेदक जो है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी मान्य होंगे। क्लियर है, क्लियर है। चयन समिति का निर्धारित प्रक्रिया ही अंतिम रूप से मान्य होगी। अन्य शिक्षक की भांति इन शिक्षकों को भी अन्य आवंटित शालेय कार्य यथा मूल्यांकन गतिविधि आदि में भागीदारी सुरक्षित करना होगा। यानी कि आपको वहां पर जो भी पहले से टीचर हैं परमानेंट वाले, उन सभी के जो वर्क हैं उसी आधार पर आपको भी वर्क करना पड़ेगा। क्लियर रहेगा। यहां पर मेंशन कर दिया गया है आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2022 को मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, और मिनिमम 21 ईयर्स से नीचे अगर कोई है तो यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर रहेगा। चलिए,
उसके बाद बात आती है कि किस आधार पर आपका फॉर्म मिलने वाला है, फॉर्मेट कहां से मिलेगा, तो आप डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट www.bijapur.gov.in पर जाकर के आप देख सकते हो, या फिर जिला शिक्षा कार्यालय के सूचना पटल पर भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है चयन प्रक्रिया, स्नातकोत्तर एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। उसके अलावा साक्षात्कार, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अलग से डेट आएगी। कोई भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो बीजापुर के शिक्षा मितान का आपका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अपडेट है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट दे दिया गया है, नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है किस तरीके से भरना है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। कौन कौन से प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं, सर्टिफिकेट क्या क्या लगा रहे हैं, अटेस्टेड है, सेल्फ अटेस्टेड है, किस तरह के प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो गाइस ये था छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का शिक्षा मितान बीजापुर जिले के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।